हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं काफ़ी अच्छी हूँ और मेरा नाम है चेतना। आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपको सरोजनी नगर मार्केट का लेटेस्ट वाला कलेक्शन। और आप लोगों को मेरी सरोजनी मार्केट की वीडियो इतनी सारी पसंद आती है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियो को देखना और मेरी वीडियो को प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना अगर आप चैनल पर न्यू हो तो। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज मैंने कौन कौन सा न्यू कलेक्शन आप लोगों को दिखाया है। और मैंने आपको शॉप नंबर भी सारी की सारी आपको बता दूंगी, कहां कहां पर आपको सही सामान मिल जाएगा, सही कपड़े मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस में विद गुड क्वालिटी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो सबसे पहले आपको पहुंच जाना है सरोजनी नगर मार्केट के मेट्रो स्टेशन पर। मैंने दिल्ली हट आईएनए से मेट्रो चेंज करके मैं पहुंची थी सरोजनी नगर मार्केट। तो अगर आप भी येलो लाइन से आते हो तो आप दिल्ली हट आईएनए पे एक स्टेशन चेंज करके डायरेक्ट आप पहुंच सकते हो सरोजनी नगर मार्केट के स्टेशन पर। और जैसे ही आप गेट नंबर 2 से एग्जिट करोगे तो आप सरोजनी मार्केट को देख सकोगे। तो ये देख सकते हो आप, वीकेंड की भीड़ यार बिल्कुल अवॉइड करना। वीकेंड पर जाना, अगर आपको बेस्ट शॉपिंग करनी है तो आप वीकडेज पर आ सकते हो। ये है सरोजनी नगर मार्केट का गेट नंबर 2। और अगर आप वीकेंड पर ही आ सकते हो, जैसे कुछ ऑफिस वाले होते हैं तो वो नहीं आ सकते वीकडेज पर, तो आप क्या कर सकते हो, आप वीकेंड पर ना 11 बजे तक आप मार्केट में एंट्री कर लो तो आपको काफ़ी अच्छा अच्छा सामान देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सरोजनी मार्केट इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है ना, तो इसलिए चाहे वीकडेज हो वीकेंड हो, रश आपको ज़रूरी देखने को मिल जाएगा। तो आपको बस स्ट्रेट जाना है, और यहाँ पर मैंने अपने आप को दिखाया। और उसके बाद जैसे ही आप जाओगे स्ट्रेट तो आपको मिल जाएगा सरोजनी नगर मार्केट का गेट नंबर 1 मिल जाएगा। और गेट नंबर 1 के ही सामने आप देख पाओगे सरोजनी नगर मार्केट का बोर्ड, और यही है हमारी मेन मार्केट। और सरोजनी नगर मार्केट के बहुत सारे गेट है, बट आप गेट नंबर 3 से एंट्री करना, आपको सारे का सारा कलेक्शन काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये देखो मैंने कर ली है एंट्री। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ज्वेलरी शॉप मिल जाएगी और राइट हैंड साइड पे आपको फूड स्टॉल मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो अपने लिए। और ये देखो सरोजनी नगर मार्केट का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है वेलकम। तो सबसे पहले मैं पहुँच गई शॉप नंबर 137 पर, जो कि बहुत प्यारी शॉप है सरोजनी नगर मार्केट की। काफ़ी ट्रेंडी शॉप है और एक्सपेंसिव भी है। यहाँ पर जो चीज़ एक्सपेंसिव होती है उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। ये देखो आपको ड्रेसेस मिल जाएगी, इनका ना पूरा कोट सेट आपको मिल जाएगा 1500 में 2000 में। और यहाँ पर ना कोई बार्गेनिंग नहीं होती, आपको बॉडी सूट मिल जाएगा। ये बॉडी सूट काफ़ी ज़्यादा वायरल है इंस्टाग्राम पर और बहुत सारी साइट्स पर। यहाँ पर आपको कोट सेट के प्राइस 1000 से अपर ही मिल जाएंगे, लेकिन इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और इनके पास डिज़ाइन पैटर्न कलर आपको एक ही डिज़ाइन में बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको बॉडीकॉन ड्रेसेस चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी 1 शोल्डर 1200 रुपीज़ में। कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है भैया का, यहीं पे भैया 400 रुपीज़ में वो भी लगा रखा होता है कॉट सेट का, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको टॉप भी मिल जाएगा और बॉटम भी मिल जाएगा। शॉप नंबर 137 अगर आपको विजिट करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको कॉट सेट चाहिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, और अगर आपको कोई ड्रेसेस और टॉप भी चाहिए, देन आप विजिट कर सकते हो शॉप नंबर 137। तो चलो जल्दी से देखते हैं। देखो ये मैंने आपको लोकेशन दिखा दी, बढ़ते आगे और देखते हैं हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, जो भी मुझे दिख रहा था मैं उसी को कैप्चर कर ले रही थी, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ क्या क्या कलेक्शन आया हुआ है। फिर मैं पहुंची शॉप नंबर 92 में, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऑफिस जाते हो या फिर आप टीचर हो या फिर आप मतलब डेली वेयर के लिए आपको चाहिए, तो यार ये शॉप ना आपके लिए है, क्योंकि इसमें ना शॉर्ट कुर्ती का कलेक्शन, लॉन्ग कुर्ती का कलेक्शन समर के लिए ना इसमें भर भर के है। और सारा का सारा अंडर 250 रुपीज़ होता है। यहाँ पर 350 से ऊपर या 300 से ऊपर तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं सच में। 180 रुपीज़ में आपको ये वाले शॉर्ट्स मिल जाएंगे जो कि समर के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। और इसमें ना बांधने के लिए भी टाई वाला भी था इसमें, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भैया के पास न्यू कलेक्शन मैंने देखा इस समर में। और ये देखो ऊपर वाली ड्रेसेस आप चेकआउट करो। ये कुर्ती देखो, ये कुर्ती ना आपको मिलेगी सिर्फ 250 रुपये में। मतलब यार समर की कुर्ती मिल रही है। और कलर ऑप्शन देखो, सबसे पहले आप कितने सारे आपको कलर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो 199 रुपीज़ में सेल चल रही है भैया के पास। और यहाँ पर आपको इतने सारे फुल स्लीव के टॉप मिल जाएंगे, क्योंकि ना समर में ना बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, तो इसलिए आप फुल स्लीव का टॉप पहनोगे तो काफ़ी हम मतलब बचे रहते हैं सनलाइट से। और देखो इस टॉप के साथ ना आपको ये बेल्ट मिल जाएगी, तो ये इसकी खासियत है। तो अगर आप टॉप भी लोगे ना तो साथ साथ आपको बेल्ट ही मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप सिंगल बेल्ट कहीं इस शॉप से परचेज़ करते हो तो आपको वो सिर्फ 150 रुपीज़ की मिलेगी। तो यार इसमें आपको कलर ऑप्शन 4 मिल जाएंगे, डिज़ाइन पैटर्न। और ये देखो सारा का सारा समर अप्रोप्रिएट भैया के पास कलेक्शन है, तो
तो आप ज़रूर विजिट कर सकते हो शॉप नंबर 92 को। और यहाँ पर ना देखो ऐसे पफर स्लीव वाले टॉप भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और अगर आपको वन पीस में कुछ चाहिए तो आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएगा हाई नेक में वन पीस में। इसका प्राइस भी आपको मिलेगा 199 रुपीज़, 200 रुपीज़ में आपको ये वन पीस सेट मिल जाएगा। और इसमें आपको कितने सारे कलर देख सकते हो आप, इसमें आपको प्रिंटेड वाला भी मिल जाएगा जिसमें लाइनिंग वाला कलेक्शन है, तो आप इसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर देखो एक न्यू कलेक्शन मैंने देखा भैया के पास, इसमें आपको ना ये डोरी वाला मिल जाएगा, और जो इनकी क्वालिटी वगैरह थी वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आप एक बारी ज़रूर शॉप नंबर 92 विज़िट करना। और यहाँ से मैंने बहुत बारी ड्रेसेस, टॉप, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज करी हुई है, उसके बाद ही मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। और इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको यहाँ पर बारगेनिंग नहीं चलेगी पहली बात, क्योंकि यार इतना कम प्राइस में आपको सामान मिल रहा है, और शॉप में जो इतना कम प्राइस में सामान, कुछ ही शॉप है जहाँ पर आपको शॉप में कम प्राइस में मिलेगा, अदरवाइज ना शॉप में ना ज़्यादा ही महंगा कलेक्शन दिखाते हैं। पटरी पे कलेक्शन काफ़ी कम होता है, बट शॉप वाले भैया लोग ना अपना कलेक्शन को महंगा ही बताते हैं, तो बट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको सारा का सारा कलेक्शन काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाएगा। तो आप ये सारे के सारे टॉप भी ले सकते हैं ओनली 199 रुपीज़ में, भैया ने सब पे टैग प्राइस लगाया हुआ है, तो आपको बार्गेनिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उसको लेकर चेकआउट कर सकते हो। ये देखो 199 रुपीज़ में इतने प्यारे प्यारे टॉप मिल रहे हैं। तो ये था तो शॉप नंबर 92 का कलेक्शन। तो चलते हैं आगे और देखते हैं भैया की शॉप का लोकेशन क्या है, और भैया की शॉप देखने में बाहर से कैसी लगती है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यही है शॉप नंबर 92। और आप बाहर से देखोगे ना भैया ने भारी टैग प्राइस लगा रखे होते हैं, तो आपको ना उससे आइडिया हो जाएगा कि भैया ने टैग प्राइस लगा रखे, हाँ यही शॉप है। यहाँ पर आपको बॉटम वेयर भी मिल जाएगा, बॉटम वेयर का कलेक्शन भी 200 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाता है, 200 और 250 रुपीज़ का होता है। ये देखो ये भैया ने सारा कलेक्शन बाहर लगा रखा है, तो यही एक ऐसी शॉप है जिनके पास इतना अफोर्डेबल कलेक्शन मिल रहा होता है शॉप में, अदरवाइज शॉप में इतना कम प्राइस में आपको नहीं मिलता। ये है सरोजिनी नगर मार्केट की सच्चाई, सच में वहाँ पर शॉप में कलेक्शन हाई रहता है, सिर्फ पर्टी कलेक्शन पे आपको कम कलेक्शन देखने को मिलता है। फिर मैं आगे बढ़ी, यहाँ पर देखा मैंने 80-80 रुपये में टॉप मिल रहे थे, आपको मेकअप कलेक्शन मिल जाएगा, बट मैं रिकमेंड नहीं करती आपको मेकअप कलेक्शन खरीदना सरोजिनी मार्केट से, आप शॉप से ब्रांड का मेकअप यूज़ करो जो कि आपके लिए फ़ायदा होगा और आप आगे भी किसी को बता पाओगे। 50-50 रुपये में टॉप काफ़ी अच्छे थे सरोजिनी मार्केट में, मैंने उनको चेकआउट नहीं करा, मतलब दिखा दिया क्योंकि ना इतना सही मुझे लगा नहीं। फिर 100 रुपीज़ वाला कलेक्शन काफ़ी ठीक लगा, यहाँ पर 60 रुपये में मैंने देखा, तो मैंने इसमें भी देखा, इसमें आपको काफ़ी टॉप मिल रहे थे, बट इनका कलेक्शन मुझे भी इतना खास नहीं लगा। आपको सैंडल्स का प्राइस मिल जाएगा 250 रुपीज़ में, शूज़ मिल जाएंगे 100 रुपीज़ का, मैंने कलेक्शन देखा 100 रुपीज़ का जो कलेक्शन होता है वो 50 और 60 रुपीज़ के कंपेयर में काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपको डेली वेयर के लिए टॉप चाहिए तो आप 100 रुपीज़ में चेकआउट कर सकते हो। और कुर्ती का कलेक्शन भी आपको काफ़ी मिल जाएगा, ये देखो मार्केट कितनी खाली है ना, क्योंकि मैं 11 o'clock मार्केट में एंटर कर ली थी, तो आप भी अगर अच्छे से शॉपिंग करना चाहते हो तब 11 बजे के आसपास मार्केट में एंट्री कर सकते हो। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। वाइट कलर का कलेक्शन आपको बहुत सारा मार्केट में देखने को मिल जाएगा, और यह है ट्रेंडी शॉप जो कि लक्ष्य हैंडलूम की शॉप है, यहाँ पर आपको कॉर्ड सेट देखने को मिल जाएंगे, हमेशा भैया कॉर्ड सेट लगाते हैं बहुत अच्छे अच्छे, इनका प्राइस 650 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। फिर इसी शॉप के सामने आपको एक और शॉप मिल जाएगी, यहाँ पर आपको पैराशूट पैंट मिल रही थी जिनका प्राइस 550 रुपीज़ और 600 रुपीज़ भैया अलग बताते हैं, बट आप 400 रुपीज़ में बाय करके, बार्गेनिंग करके अपने लिए बाय कर सकते हो। तो चलते हैं आगे, आपको समर अप्रोप्रिएट 200 रुपीज़ में कुर्ती देखने को मिल जाएगी, और यार रश इतना ज़्यादा होता है ना कि कुछ दिखा भी नहीं पाती अच्छे से, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी और आपको और अच्छे से कलेक्शन दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको बैग का कलेक्शन भी मिल जाएगा, बैग का कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है 100 रुपीज़ में, आप 100 रुपीज़ से ज़्यादा किसी को भी बैग के लिए पे बिल्कुल मत करना, क्योंकि ना आप 100 रुपये तक भैया आराम से आ जाते हैं बार्गेनिंग करके, तो आप 100 रुपये से ज़्यादा किसी को भी बैग का प्राइस मत देना। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। 50-50 रुपये का कलेक्शन मुझे इस बार सरोजिनी में काफ़ी कम देखने को मिला, मतलब पहले क्या होता था, पहले ना 50 रुपीज़ और 60 रुपीज़ का कलेक्शन ज़्यादा होता था, बट अब ऐसा नहीं है, 50 रुपीज़ का कलेक्शन आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, 100 रुपीज़ का और 80 रुपीज़ का कलेक्शन आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। फिर मैंने देखा ना यहाँ पर भैया लोग कोरियन टॉप वगैरह सब चीज़ ले आए हुए हैं, और कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या मार्केट में विंटर कलेक्शन अवेलेबल है, तो नहीं, विंटर कलेक्शन अब आपको सिर्फ एक या दो शॉप पर ही देखने को मिलेगा, पूरी मार्केट में समर कलेक्शन आ चुका है। अगर आपको बैग लेना है तो आपको बैग का प्राइस 500 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे बैग मिल जाएंगे, 200 रुपीज़ में स्किनी जीन्स मिल जाएगी, स्किनी जीन्स का कलेक्शन तो
काफ़ी ज़्यादा आपको स्किनी जीन्स का कलेक्शन सरोजनी मार्केट में भर भर कर होता है, तो आप अपने लिए बाय कर सकते हो। आपको 100-100 रुपीज़ में वाइट कलेक्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको टॉप, शर्ट और कट स्लीव, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। सरोजनी मार्केट में आपको डेनिम कलेक्शन काफ़ी देखने को मिल जाएगा, चाहे मैं शर्ट की बात करूँ, स्कर्ट की बात करूँ, शॉर्ट्स की बात करूँ, तो आपको बहुत सारा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। 30-30 रुपए में आपको ईयरिंग्स का कलेक्शन बहुत सारा मिल जाएगा। पैराशूट पैंट तो सरोजनी मार्केट में भर भर कर आ चुकी है, तो आप ऑनलाइन मत खरीदना, ऑनलाइन आपको 1000 रुपीज़ के अंडर में देंगे, बट यहाँ पर आपको 500 रुपीज़ के अंडर में सारी की सारी पैराशूट पैंट में देखने को मिल जाएगी। कलर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं पैराशूट पैंट में, मतलब इतने भी नहीं होते, ऑलमोस्ट ब्राउन और ब्लैक तो ज़्यादा ही होता है। और ओवरसाइज टी शर्ट की बात करूँ तो सरोजनी मार्केट में इस बार भी ओवरसाइज टी शर्ट का कलेक्शन भर भर कर आया हुआ है। जितना पहले कलेक्शन आया था ना पिछले साल, उतना ही कलेक्शन इस बार भी आया हुआ है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ओवरसाइज टी शर्ट का प्राइस आपको 350 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। 200 रुपीज़ में स्किनी जीन्स का कलेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक ही लेन में चलोगे तो आपको उसी लेन में इतना सारा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और जिस लेन में मैं अभी चल रही हूँ वो है बिक्सी वाली लेन, तो आप क्या करोगे, आप एक एग्जैक्ट लोकेशन पर कभी भी नहीं जाओगे, आप पहले पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करोगे, जहाँ पर भी आपको अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा आप वहीं से खरीद लेना। ये नहीं कि मैंने एक लोकेशन बताई तो आप उसी लोकेशन पर पहुंच जाना। हाँ, आप शॉप के लिए ऐसा ज़रूर कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर कलेक्शन के लिए आप कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि क्या होता है, जैसे आज वहाँ पर कलेक्शन अच्छा आया था, बट क्या पता नेक्स्ट टाइम वहाँ का कलेक्शन अच्छा ना हो, तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए आप पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करो, फिर आप देखो कि आपको कहाँ का कलेक्शन अच्छा लग रहा है। सरोजनी मार्केट में आपको बैग का भी कलेक्शन बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। सामने आप देख सकते हो बिक्सी लेन के सामने ग्रेफिटी लेन मिल जाएगी, जहाँ पर लगाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और ग्रेफिटी लेन के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपको बॉयज़ का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिनका प्राइस भैया लोग 450 रुपीज़ कोट करते हैं। आप बारगेनिंग भी कर सकते हो, और बॉयज़ का कलेक्शन भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। और इसी शॉप के सामने 200 रुपीज़ में आपको बॉयज़ की टी शर्ट देखने को मिल जाएगी, ओवरसाइज टी शर्ट। और कोट सेट की बात करूँ गर्ल्स के लिए, तो उसका बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न में आपको कोट सेट देखने को मिल जाएंगे। और ओवरसाइज टी शर्ट का तो भरमार आ चुका है मार्केट में, तो अगर आप ओवरसाइज टी शर्ट लेना चाहते हो विद कार्टून प्रिंट्स और बहुत सारे एनिमीज वाले प्रिंट, तो आप चेकआउट कर सकते हो सरोजनी नगर मार्केट की लेटेस्ट वाली टी शर्ट, क्योंकि यहाँ पर प्राइस आपको मिल जाएगा 200 रुपीज़ से स्टार्टिंग। और अगर आप समर के लिए और बीचेस पे जाने के लिए ड्रेसेस ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पर आप आ सकते हो सरोजनी नगर मार्केट में। यहाँ पर बहुत सारी शॉप है, आप देखोगे ना, आपको शॉप के अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पटरी कलेक्शन पर इतना सारा टी शर्ट्स वगैरह देखने को और ड्रेसेस देखने को मिल जाएगी। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी टी शर्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इनमें सारे के सारे कार्टून प्रिंट थे। इनका प्राइस आपको 350 रुपीज़ मिल जाएगा। 250 रुपीज़ में आपको कुर्ती मिल जाएगी, और यहाँ पर ना आपको पर्दे भी मिलने लग गए हैं अब, तो 100-100 रुपये में आप 150-150 रुपये में पर्दे ले सकते हो। और ये देखो, अब मैं आ चुकी हूँ लक्ष्य हैंडलूम वाली शॉप के पास, जिसका मैंने अभी आपको कॉट सेट दिखाया था। इसी शॉप के जस्ट सामने आपको बेडशीट देखने को मिल जाएगी, जिसका प्राइस 400 और 500 रुपीज़ होता है। तो अगर आप चादर लेना चाहते हो अपने लिए, बेडशीट लेना चाहते हो, तो आप वो भी बाय कर सकते हो। बॉयज़ का कलेक्शन के लिए आपको शर्ट कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मार्केट में मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ओवरसाइज टी शर्ट, तो उसका कलेक्शन भी आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। अब मैं आ चुकी हूँ सब्जी मंडी वाली लेन में। राइट हैंड साइड पे आपको सब्जी मंडी लेन मिल जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। शॉप वगैरह आपको कंटिन्यू देखने को मिल जाएगी। सब्जी मंडी वाली लेन में आपको बॉयज़ के बहुत सारे लोवर, हाफ शर्ट, फुल टी शर्ट, हाफ टी शर्ट देखने को मिल जाएगी। इन सभी का प्राइस 450 रुपीज़ होता है। और लेफ्ट साइड में आपको जीन्स का ह्यूज कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है 200 रुपये से लेकर। सब्जी मंडी वाली लेन के जस्ट सामने आप देखोगे आपको एक बहुत बड़ी बैग की शॉप मिलेगी। इनके पास ना बहुत बढ़िया बैग होते हैं, तो अगर आपको बेस्ट बैग चाहिए ना, तो आप सब्जी मंडी वाली लेन के इस वाली शॉप पर आ जाना, आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे अच्छे बैग विद अफोर्डेबल प्राइस और विद क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा। और रश आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रश आ रहा है, तो आप बिल्कुल टाइम से मार्केट में पहुंच जाना, जिससे आपकी शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एग्जिट करना है, गेट नंबर 3 से ही आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पर कोई अलग से गेट नहीं बनाया कि आपको वहाँ से एग्जिट करना है। उसके बाद जब आप अपने घर जाओगे, तो आप यहाँ से अपने घर जा सकते हो गेट नंबर 1 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।